ऐसी दवाएं जो बरह रास्त बीमारी के यानी बीमारी के नहीं बल्कि जरासीम मारने वाली हों वो बिल आखिर खतरनाक साबित होती हैं। सल्फर उनमें से है अगर एलोपैथिक इस्तेमाल की जाए, अगर होम्योपैथिक इस्तेमाल की जाए तो बिल्कुल बरक्स नतीजा निकालती है। ये जिंदगी को तकवीत देती है और रद्द अमल पैदा करती है। बस वो बीमारियां जो जिस्म के गहरे अज़ा में छुपी हुई हैं उनको ये निकाल के बाहर फेंक देती है। और बाज़ दफ़ा बीमारी चूँकि सख्त होती है इसलिए इतना सख्त रद्द अमल होता है कि लोग डर जाते हैं और बाद ऐसे मरीज फिर जगह बदल लेते हैं। उनको नक्स्वामिका से किसी हद तक फायदा पहुंचाया जा सकता है। सल्फर अगर आप दें बवासीर के लिए तो मैंने जैसा कि बताया था बवासीर के मौके शुरू में कुछ बड़े हो जाते हैं क्योंकि वो स्किन की तरफ आ रही है ना, बैरूनी असर दिखा रही है। जिगर बेहतर होगा कुछ तो मौके बड़े होने शुरू हो जाएंगे। उन मौकों में नरमी पैदा करने के लिए नक्स्वामिका बेहतरीन काम करती है। तो इन मानों में इसका जोड़ है सल्फर से। बजाते खुद नक्स्वामिका बहुत गहरे अज़ा पर असर नहीं कर सकती मगर जल्दी असरात इसके नुमाया हैं और मस्कुलर ख़ासतौर पर जो बैरूनी मसल्स हैं उनकी बीमारियों में नक्स्वामिका अच्छी दवा है।